करें मेरे भारत देश में जो रेल परिवहन है उसका क्या महत्व है, उस रेल परिवहन के बारे में समझते हैं क्या इसका महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। रेल परिवहन का आर्थिक महत्व मतलब आर्थिक क्या इसका महत्व रहा हुआ है। भारत में प्रथम 16 अप्रैल 1853 में क्या उसकी स्थापना हुई थी, चला गया था मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। जब से रेल परिवहन का आर्थिक महत्व बढ़ा स्टार्ट हो गया, मतलब कि प्रगति का प्रगति बढ़ती गई है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब देखते हैं रेल परिवहन का आर्थिक महत्व, आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व है। देखते हैं कृषि का विकास क्या हुआ, कृषि का विकास होता था, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हुआ करती थी तो वे अपने शहर से दूर शहर में बनी हुआ करती थी, वहां से सामान लाने में दिक्कत हुआ करती थी, खान प्रॉब्लम होने का, रेल परिवहन से उसको सामान को लाद करके वो अपने गांवों तक पहुंचाने का काम बड़े सिंपल तरीके से हुआ। शहरों को जोड़ दिया गया है, बड़े बड़े शहरों को इंडस्ट्री जोड़ दी गई है, बड़ा बड़ा माल सप्लाई होने लगा हुआ है, तो क्या है कृषि का विकास। आज हमने जो कृषि से उपलब्ध किया है अब कहाँ रखे कैसे रखेंगे थे, लेकिन इस सामान को हमने क्या किया सेल करना स्टार्ट कर दिया, सेल किया तो ट्रेनों में रख करके वो कहीं और नगरों में पहुंचना स्टार्ट कर दिया। क्या होगा कृषि का विकास बढ़ता गया है। दूसरा होगा नाशवान वस्तुओं की बिक्री हो गई है, जो वस्तु हमने प्राप्त कर ली है लेकिन वो कुछ दिन कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ट्रेन के द्वारा उस वस्तु को रख करके झट से वहां तक पहुंचाने में सफल का व्यक्ति, जो वस्तु नाशवान जो खत्म होने वाली वस्तु खत्म होने से पहले हमने उस शहर तक पहुंचा दिया और लोगों ने उसके उपभोग कर लिया, वस्तुएं बच गई, तो क्या लिखा है नाशवान वस्तुओं का बिक्री होने लगी है, बिक्री लगी है तरीके से। आगे नंबर 3 है अकालों पर नियंत्रण, जो किसी भी क्षेत्र में अकाल पड़ जाती है, भुखमरी आ जाती है, ऐसे क्षेत्रों से क्या होता है लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का नहीं पड़ा होगा हम अपने यहाँ से अनाज लगा करके रख करके ट्रेन से वहां तक पहुंचा देते हैं, जो अकल पड़ता है अकल पड़ने से क्या